जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो जिंदगी भर आपको इस टॉपिक पर कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह वीडियो है ही कमाल का। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीप में रनर लगाने का एक नहीं दो नहीं पूरे चार ट्रिक बताने वाला हूँ, और इस कमाल की ट्रिक से आप मात्र कुछ सेकंड में ही जीप में रनर लगा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। दोस्तों अगर आपको ट्रिक अच्छा लगे तो लाइक करें झट से। इसी तरह की कमाल का वीडियो और भी देखना चाहते तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लगे रहे डट के, क्योंकि हमारे चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो होता है जर हट के। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं पटाक से। तो दोस्तों ट्रिक बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि ये जो जीप होता है उसमें दो तरह से रनर लगाया जाता है। पहला दोस्तों ये बंद कंडीशन में रनर लगाया जाता है, और दूसरा कंडीशन दोस्तों जो खुली हुई कंडीशन होता है जीप का उसमें रनर लगाया जाता है। तो दोस्तों जो बंद कंडीशन होता है जीप उसमें रनर लगाना बहुत ही आसान काम होता है, इसे हर कोई बहुत ही आसानी से लगा सकता है। और जो खुली हुई कंडीशन होता है उसमें रनर लगाने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, कभी कभी दिमाग का दही भी हो जाता है। तो चलो दोस्तों हम आपको पहला ट्रिक बताते हैं कि किस तरह से आपको जीप में रनर लगाना है। तो हम यहाँ पर पहला ट्रिक में आपको जो बंद कंडीशन जीप है उसमें रनर कैसे लगाना है उसे आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो इस जीप का जो बीच वाला पॉइंट है आप देख सकते हो जो कि बंद है, उसमें आपको जो रनर है दोस्तों उसे उल्टे इस प्रकार से यहाँ पर फंसाना है, जितना अंदर घुस सके इस प्रकार से आपको फंसा लेना है। उसके बाद दोस्तों इस जीप का दोनों पट्टियों को आपको अंगूठे की सहायता से इस प्रकार पकड़ के रखना है, और एक उंगली से इस रनर को अंदर की ओर प्रेस करते हुए पट्टियों को खींचना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप मात्र कुछ सेकंड में ही जीप में रनर लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका जीप बंद कंडीशन में और आप रनर लगाना चाहते हैं तो आप इस ट्रिक की मदद से बहुत ही आसानी से जीप में रनर लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम दूसरा ट्रिक को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों दूसरा ट्रिक में हम आपको खुली हुई कंडीशन में रनर कैसे लगाना है उसे आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, माचिस या लाइटर लेना है, और आपको जो जीप है उसका जो रेसे होता है उसे आपको इस प्रकार से जलाकर क्लीन कर लेना है सबसे पहले। और उसके बाद आपको क्या करना है हम आपको बताएंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, धागे लेना है। तो हम यहाँ पर साधारण धागे लिए हैं इस प्रकार से, और इस धागे को हम सुई के अंदर डबल करके लगाएंगे जिससे चार धागे हो जाता है। अगर आपके पास कोई मजबूत धागे है तो आप सिंगल धागे भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, तो आप ध्यान से देखिएगा जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा और समझिएगा। तो आपको क्या करना है, दो पट्टी है उसमें क्या किसी भी एक पट्टी में आपको, आप देख सकते इस वाली पॉइंट में आपको दो कड़ी छोड़कर उस जो ठोस वाली जगह है वहाँ पर आपको सुई की मदद से धागे फंसाना है। इस तरह से आप देख लीजिएगा किस तरह से मैं धागे फंसा रहा हूँ, इस तरह से आपको धागे फंसाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो रनर है उसे दूसरे पट्टी में इस प्रकार से फंसाना है, आपको कुछ हिस्से ही बाहर निकालना है इस तरह से। और उसके बाद जिस पट्टी में हमने धागे लगाए हैं उस पट्टियों को इस रनर के अंदर डालेंगे, धागे को अंदर इस प्रकार से डालते हुए, और एक हाथ से रनर को पकड़ना है और एक हाथ से धागे को खींचना है झटके देते हुए इस प्रकार से। तो यह बहुत ही आसानी से हमारा जीप है उसमें रनर लग जाता है। तो दोस्तों है ना यह कमाल का ट्रिक। तो दोस्तों अगर आपको ट्रिक पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। तो ये था हमारा दूसरा ट्रिक, अब हम आपको तीसरा ट्रिक बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम तीसरा ट्रिक स्टार्ट कर लेते हैं फटाक से। तो दोस्तों जो ट्रिक मैंने दूसरे नंबर पर आपको बताया ठीक उसी से थोड़ा मिलता जुलता रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा खुली हुई कंडीशन है जीप का उसके दोनों पट्टियों में धागे लगाएंगे। तो दोस्तों आपको धागे लगाने से पहले आपको क्या करना है, लाइटर की मदद से इसका जो रेसे होता है उसे साफ कर लेना है, और उसके बाद आपको सुई में धागे फंसा लेना है जिस तरह से मैंने आपको दूसरा ट्रिक में बताया ठीक उसी प्रकार से। और आपको इस पट्टी का जो जीप का पट्टी है उसके दो कड़ी छोड़कर इस तरह से धागे लगाना है, और इसी प्रकार से हम दोनों पट्टियों में धागे लगाएंगे जिस तरह से हमने पहले पट्टी में लगाया है इस तरह से। और इसके बाद आपको आगे क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और क्या दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, जो रनर है उसे पहले पट्टी के इस प्रकार से पट्टी को अंदर डालते हुए धागे को अंदर रखते हुए इस तरह से पहले फंसा देना है, और उसी प्रकार से आपको दूसरे पट्टी को इस रनर के अंदर डालते हुए धागे को अंदर डालते हुए इस प्रकार से फंसा देना है। और इसके बाद आपको करना क्या है, ये इसका रनर है उसे आपको एक हाथ की उंगली और अंगूठे से पकड़ कर रखना है, और दूसरे हाथ की उंगलियों से जो धागे उसे हल्की सी झटके देते हुए पीछे की ओर खींचना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मात्र कुछ सेकंड के अंदर ही जो रनर है वो जीप के अंदर चला जाएगा। तो आप देखिएगा किस तरह से मैं इसे लगा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो हमारा रनर है वह जीप के अंदर मात्र कुछ सेकंड के अंदर ही चला जाता है। तो अगर आप
खुली हुई कंडीशन का जीप है उसमें रनर लगाना चाहते हैं, तो आप इस ट्रिक की मदद से बहुत ही आसानी से अपने जीप में रनर लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको चौथा और आखिरी ट्रिक बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चौथा ट्रिक स्टार्ट कर लेते हैं फटाक से। तो दोस्तों, चौथा ट्रिक में मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ वह तीनों ट्रिक से डिफरेंस होगा। तो आपको इस ट्रिक में करना क्या है, आपको कैंची लेना है और कैंची की मदद से जो आपका जीभ का पट्टी है उसे अंदर की तरफ से तिरछे कट करना है। आप देख लीजिएगा कि मैं किस तरह से कट कर रहा हूँ, आपको इसी तरह से कट करना है और इसी प्रकार से आपको दोनों पट्टियों को अंदर की तरफ से कट करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से, और आपको लाइटर की मदद से इसका जो रेशे है उसे आपको जलाकर क्लीन कर लेना है। और इसके बाद रनर को लेना है और रनर में इसका जो थोड़े थोड़े भाग आपको फंसा देना है, आप देख लीजिए किस तरह से मैं फंसा रहा हूँ यहाँ पर। और इसके बाद आपको एक हाथ के उंगलियों से रनर को पकड़ के रखना है और दूसरे हाथ के अंगूठे की मदद से जो पट्टियों का कोन बना हुआ है तिरछे में काटने के बाद, तो उसको पकड़ के हल्के से पीछे खींचना है इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं मात्र कुछ सेकंड के अंदर ही जो रनर है वह जीप में चला जाता है। तो दोस्तों, आप इस तरह से अपने जीप में रनर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए चार ट्रिक में सबसे बेस्ट ट्रिक कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह का कमाल का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।